दिखाएं इस संत आश्रम की ये बड़ी बुलेट, शानदार बुलेट। और इस बुलेट को देखिए आप, फिर एक बुलेट आपने देखा और ये देखिए 500 सीसी की ये बुलेट, ये शानदार बुलेट, श्री लेटे हनुमान जी मंदिर लिखा हुआ ये शानदार बुलेट। एक और बुलेट देखिए जिस पर पुलिस लिखा हुआ और ये बुलेट है। और अब दिखाता हूं मैं गाड़ियों का जखीरा, एबीपी गंगा वहां पहुंचा है जहां कोई चैनल पहुंचा नहीं। ये देखिए नई इनोवा क्रिस्टा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की, और ये देखिए ये खड़ी हुई है, पंखा भी चल रहा है, मतलब इसको कहीं गर्मी ना लग जाए। ये अम्बेसडर देखिए, ये जो पावर सेक्टर की अपने जमाने की अम्बेसडर है, चमचमाती अम्बेसडर, विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ और भगवा लहराता हुआ, ओम लिखा हुआ, ये अभी तक किसी चैनल ने दिखाया नहीं होगा रोहित जी। और फिर ये देखिए होंडा सिटी, इस पर भी ओम लिखा हुआ, भगवा लहराता हुआ, चमचमाती हुई सफेद, और ये भी पंखे की हवा के नीचे। और लैंड क्रूजर जो एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि महंत नरेंद्र गिरी करोड़ों रुपए की, 1.5 करोड़ से ज्यादा की लैंड क्रूजर पर चलते थे, अध्यक्ष लिखा है, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सचिव पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री लेटे हनुमान जी मंदिर, मठ बागंबरी, गद्दी प्रयाग, यानी इस लैंड क्रूजर को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से इस विशाल गाड़ी को दिखाना चाहता हूं कि एक नजर में दर्शक देख ले, क्योंकि एबीपी गंगा वहां पहुंच गया है इस मठ के अंदर जहां सबको रोका गया था कि कहीं जाने की इजाजत आपको नहीं है, इसलिए वो दृश्य किसी के पास नहीं है। मैं अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखाता हूं जो वो देखना चाहते हैं कि आखिर मठ के अंदर, इस भव्य और विशाल मठ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और फिर मैं दिखाऊंगा, ये देखिए फॉर्च्यूनर खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, और मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। आइए कैमरामैन, आपको रास्ता मिल गया है, खोज लिया है बीपी गंगा ने कि किस रास्ते से उन गाड़ियों को भी दिखाया जाए। तो ये देखिए ये चमचमाती हुई नई फॉर्च्यूनर, नए मॉडल की फॉर्च्यूनर है जो मठ में खड़ी है। एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, तो ये भी अध्यक्ष जी की गाड़ी है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी इस पर सवार होते थे, ये गाड़ी भी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिखी हुई ये गाड़ी है जो सिक्योरिटी में चलती थी महंत जी के, महंत जी की सिक्योरिटी में, और माफ कीजिएगा पुलिस साहब, इस पे लिखा है पुलिस स्क्वाड। और ये भी चमचमाती फॉर्च्यूनर नई, और इस पर बत्ती लगी हुई, ये देखिए स्क्वाड। जब महंत नरेंद्र गिरी चलते थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्क्वाड चलती थी, चमचमाती हुई बत्ती, ऐसी बत्ती तो डीजीपी साहब के पास भी शायद हमने नहीं देखा होगा। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की एक और पुराने मॉडल की फॉर्च्यूनर, ये देखिए ओम लिखा हुआ, दर्शक देखते जाएं। और ये टाटा की बड़ी गाड़ी हेक्सा जिसका नाम है, वो भी श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर का ये हेक्सा पे देखिए। और ये देखिए पजेरो, ये अपने जमाने की सबसे जो महंगी गाड़ियां थी उसमें से ये पजेरो भी है, तो गाड़ी नंबर 1 पजेरो, ये भी हनुमान जी के नाम पर है गाड़ी नंबर 1। अब मैं दर्शकों को दिखाऊं, गाड़ी नंबर 1 पजेरो, गाड़ी नंबर 2 टाटा हेक्सा, और गाड़ी नंबर 3 ये फॉर्च्यूनर, चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर, गाड़ी नंबर 4 ये है फॉर्च्यूनर ही है, नई तरह के फॉर्च्यूनर, स्कॉट लगी हुई, गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4, और ये गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 5 भी फॉर्च्यूनर है। और यहां आने की इजाजत किसी को नहीं है, एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव अपनी ये तस्वीरें दिखा रहा है, किसी के पास नहीं है, पुलिस की बैरिकेटिंग देख लीजिए, क्योंकि किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे उसकी ये गाड़ी है, और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए, ये गाड़ी नंबर है 7, गाड़ी नंबर 7। और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से, ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8, गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है अम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 अम्बेसडर देखिए, और गाड़ी नंबर 10
इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। और बुलेट का जरा रंग ढंग देखिए, ऐसी बुलेट तो रोहित जी आपने भी कम ही देखी होगी। पता नहीं ये कहां से गियर लगता है, कितने की गियर है, लोग बता रहे हैं, हमारे साथी नीतीश बता रहे थे कि भैया हमारे पास भी बुलेट है, लेकिन ये बुलेट 500 सीसी वाली है। और इसका रूप रंग देखिए, बड़ी ताकतवर है, साथ ही उसके पीछे भी एक बुलेट खड़ी है। और ये भी नई स्टाइलिश बुलेट देखिए, ये भी बुलेट देखिए, इस पर बैठने के बाद दग दग करते हुए आगे बढ़ते हुए मंत कैसे शानदार तरीके से दिखते होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल एबीपी गंगा के पास है, क्योंकि यहां पर आने जाने पर रोक है। और पहली बार इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ऐश्वर्य क्या है, वैभव क्या है, इस मठ की ताकत क्या है और इस मठ में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि बाघम्बरी मठ के वैभव और गौरव के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब दर्शक दृश्य नहीं देखेंगे, लोग अपनी नजरों से नहीं देखेंगे, तो उन्हें एहसास कैसे होगा, उन्हें ये भान कैसे होगा। देखिए, निरंजनी अखाड़ा अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए भी जाना जाता है। पहले गृहस्थ जीवन में रहते थे महंत नरेंद्र गिरी, उनका परिवार था, और ऐसे में वो जो अपने गाड़ियां देखी और अंदर जो सोफा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वहां चांदी के सोफे हैं और चांदी का ही वहां पर डाइनिंग टेबल है, चांदी का सिंहासन है, सोने की थाली है, उसमें विशिष्ट अतिथियों को खिलाया जाता है। तो हमें कभी अवसर नहीं मिला रोहित जी, आपको भी नहीं मिला। मैंने अपने संवाददाता मोहम्मद मोइन से पूछा कि तुम प्रयागराज में रहते हो, अक्सर कहते हो कि महंत जी के यहाँ जाना है, कभी चांदी के इस बर्तन में खाने का अवसर प्राप्त हुआ? बोला नहीं, लेकिन हाँ श्रद्धा के साथ वो हमें खिलाते जरूर थे। तो ये ऐश्वर्य वैभव तो आपने एक तस्वीर है, दर्शक देख ले।